हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इतनी बड़ी संख्या में मेरे राम भक्त इस स्थान पर जमा है। मैं आप सभी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जय श्री राम कहता हूँ मेरे भाइयों। आज लगभग 2010 में यहाँ श्री राम नामी शोभा यात्रा प्रारंभ हुई थी मेरे भाइयों। तब से लेकर आज तक इसी तरह से आप सबका प्यार मिलता रहा है, इसी तरह से सबका आशीर्वाद मुझको मिलता रहा है। इसके लिए बार बार मेरे राम भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ मेरे मित्रों। आज बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अभी जस्ट 20% हमें आगे बढ़ना है मेरे भाइयों। मैं हमारे पुलिस भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये राम भक्त है, कृपया करके इनकी सेवा आप लोग करें। ना लाठी दिखाओ ना डंडा दिखाओ, सिर्फ जय श्री राम बोलो, हमारा राम भक्त शांत हो जाएगा। अरे वो समय पर लाठी चली थी, हम नहीं रुके। वो समय पर गोली चली थी, हम नहीं रुके। डंके की चोट पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर हमने बनाकर बताया है। ना लाठी से डरे ना गोली से डरे, इसलिए मेरे भाइयों से निवेदन है, शांत खड़े रहो, एकदम शांत। सिर्फ यहाँ पर मैं एक 10 मिनट आपको लेना चाहूंगा। आज के जितने भी जो हमारे नौजवान जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको बस यही संदेश देना चाहूंगा। आज के हमारे भारत का वो हिंदू ये सोचता है, ये समझता है, आज के हर हिंदू को सोचने और समझने की आवश्यकता है, सनातन को खत्म करने की जिस प्रकार से हो रही है योजना, उसको जानने की और उसको समझने की कोशिश करो मेरे मित्रों। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आजकल के जो हमारे बच्चों के जो माँ बाप है, उनकी सोच कहाँ जा रही है, और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों की सोच कहाँ जा रही है। जो हमारा हिंदू है, जो उनके माँ बाप है, वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, बहुत अच्छी बात है। मैं भी सोचता हूँ कि मेरा भी बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर, देश का भविष्य और धर्म के लिए कार्य करते रहे, ये मैं भी सोचता हूँ। लेकिन आजकल के माँ बाप ये नहीं सोचते कि हमारे भारत में लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर हमारे हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, ये भी सोचने और समझने की आज आवश्यकता है। आज के माँ बाप धर्म रक्षा से दूर रखते हैं, आत्मरक्षण से दूर रखते हैं बच्चों को, ये आने वाले समय में बहुत घातक रहेगा, ये हमारे उन माँ बाप को कहना चाहूंगा। और आजकल के माँ बाप ये कहते हैं कि तुम बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, इनसे ना जुड़े, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में धर्म का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, आत्मरक्षण भी बहुत जरूरी है। अरे जो सरफिरे होते हैं ना, वही इतिहास लिखते हैं। अरे पढ़े लिखे लोग तो सरफिरों का इतिहास पढ़ते हैं मेरे मित्रों। अरे आज हमारे भारत में एक ऐसा भी समय आया है, हमारे भारत में कुछ ऐसे लोगों की जनसंख्या बढ़ते जा रही है जिसको रोकना नामुमकिन है मेरे मित्रों। हमारे दुश्मन की क्या तैयारी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर इनको भारत का वाइस प्रेसिडेंट बना दो,
तो ये हामिद अंसारी बनकर कहेंगे कि भारत का मुसलमान खतरे में है। अगर इनको हम भारत का वाइस प्रेसिडेंट बना दो, अगर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दो, तो फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती बनकर कहेंगे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। अरे अगर इनको मिनिस्टर बना दो, तो सिद्दीकुल्ला बनकर ये कहेंगे कि ज्ञानवापी में पूजा रोकी जाए। अरे अगर इनको सांसद बना दो, तो ओवैसी जैसा हरामी बनकर 15 मिनट का टाइम पूछेंगे। अगर इनको विधायक बना दो, तो 15 मिनट का टाइम पूछेंगे। अरे अगर इनको नगर निगम पार्षद बना दो, तो ये अतीक हुसैन बनकर हिंदुओं को घरों को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। मेरे मित्रों, अगर इनको एमबीबीए जैसी बड़ी उपलब्धि दिला दो, तो अफजल गुरु जैसे बनकर संसद पर हमला करने की सोच रखेंगे। अगर इनको याकूब मेमन जैसे जो चार्टेड अकाउंटेंट था, अगर इनको चार्टेड अकाउंटेंट बना दो, तो याकूब मेमन बनकर ये बम धमाके करेंगे, मासूम लोगों को मारेंगे। चाहे जहां रहे, जिस पद पर रहे, जिस स्थिति में रहे, हमें ये इनके दिमाग में सिर्फ जिहाद लिखा हुआ है। चाहे ये 100 साल का बूढ़ा हो या 15 साल का बच्चा हो, इनकी नस नस में एक ही भरा जाता है, जिहाद करो, हिंदू को काफिर बोलो, हिंदू को मारो और हिंदू को लूटो। यही इनको सिखाया जाता है, यही इनको बताया जाता है मेरे मित्रों। अरे कुछ दिन पहले संसद में ये ओवैसी खड़ा होकर ये कहता है, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को आने वाली पीढ़ी को हम भूलने नहीं देंगे। वो कहता है कि हम शहादत को भूलने नहीं देंगे। वो अपने आप को बैरिस्टर कहता है, ये तो अनपढ़ गवार बुजदिल इंसान है। अरे ये भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम गीत नहीं गाता। अरे ओवैसी जैसे तू तड़प रहा है ना, जैसे तू तड़पता है ना, किसी भी आतंकी को अगर हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ जी अगर किसी को ठोकते हैं, अगर किसी को ठोकते हैं, तो ये ओवैसी ऐसा रोता है जैसे इसके अब्बा की कोई नाजायज औलाद को ठोक दे। अरे मैं 10 मिनट कह रहा हूँ कि शांत रहो, हमें आगे भी जाना है, अभी बहुत बाकी है। तो मैं उस ओवैसी को जो लेफ्ट में जा रही उसका अड्डा है, उसको कहना चाहूंगा कि बेटा अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। अरे तू ये ना समझ, हमारे आने वाली पीढ़ी को तू कह रहा है ना कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत भूलने नहीं देंगे। बेटा हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे, हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब की बार अगर कार सेवा होगी, तो राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, शंकर के भक्तों पर गोली नहीं, फूल बरसाया जाएगा। अरे फूल बरसाया जाएगा, ये हमारे बाबा जी ने कह दिया है। तो अरे वो दिन दूर नहीं, हमने अयोध्या ले ली है, हम काशी लेके रहेंगे, हम मथुरा भी लेके रहेंगे। भारत में हमारे जितने मंदिरों को इन मुगलों ने तोड़ा है, सारे के सारे मंदिर हम वापस लेकर भव्य मंदिर बनाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। बोल उठा है, तलवारें चमकने लगी हैं। इस राजा सिंह के आने से सब लांडों की फटने लगी है।